ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के ग्राम पट्टी कला घोसीपुरा में 1 मई 2017 को पांचवां ऑल इंडिया मुशायरा जश्ने फतेह मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के उन्वान से मुनक्कित किया गया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे मुशायरे की दुनिया में तेजी से उभरते हुए नौजवान शायर खालिद सुल्तानपुरी। इस मौके पर खालिद सुल्तानपुरी साहब ने साहिब जश्न जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब का गर्म जोशी से खैर मकदम किया तो दूसरी ओर सपासनामा भी उनकी खिदमत में पेश किया। फहरिस्त में मोहतरमा नाजिया शहरी साहिबा आली जनाब नबी अहमद मंसूरी साहिब और साहिब सदर मेहरबान साहिब। आइए इससे पहले कि हम नाजिया साहिबा से कुछ कलाम सुने, हम आली जनाब अहमद नबी मंसूरी जो की इच्छा से तशरीफ लाए हैं, मैं बड़े अदब के साथ के सर ऊंचा करके बड़ों को कभी नहीं देखा, सर ऊंचा करके बड़ों को कभी नहीं देखा, हम आसमान को पानी में देख लेते हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब नबी अहमद मंसूरी साहिब जो की इच्छा से तशरीफ लाए। नाजिम का यही काम है। जी शुक्रिया, आपकी हिम्मत और हौसला अफजाई करना मेरा फर्ज है। वैसे डॉक्टर माजिद देवबंदी के बाद किसी का भी पढ़ना मैं समझता हूँ। नहीं ऐसा कोई माने नहीं रखता, ऐसा नहीं है, कभी कभी वक्त से समझौता करना पड़ जाता है। हर कोई बात नहीं जी, ताकि जी नहीं बड़ा ही लालची है वो। अच्छा, नशे मन बेच डालेगा। क्या मिश्रा है, बड़ा ही लालची है वो, नशे मन बेच डालेगा। बड़ा ही लालची है वो, नशे मन बेच डालेगा। वाह वाह, अगर रोका ना उसको तो वो गुलशन बेच डालेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अगर रोका ना उसको आए हाय हाय क्या कहना, बड़ा ही लालची है बेच डालेगा, नशे मन बेच डालेगा, अगर रोका ना उसको तो वो गुलशन बेच डालेगा। वो बिजली हो या पानी हो या पत्थर की जवानी हो, क्या कहने क्या कहने, बहुत अच्छे। वो बिजली हो या पानी हो या पत्थर की जवानी हो, क्या कहने क्या कहने, ये जो पहचान है अपनी है वो बंद बेच डालेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत, अगर रोका ना उसको तो वो गुलशन बेच डालेगा। बहुत और हाजिर करता हूँ, लालच की चादर फैलाए बैठे हैं। अच्छा, लालच की चादर, लालच की चादर फैलाए बैठे हैं, मक्कारी का जाल बिछाए बैठे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लालच की चादर फैलाए बैठे हैं, मक्कारी का जाल, मक्कारी का जाल बिछाए बैठे हैं, और एक टांग पे करे तपस्या बगले जैसी मछली पर ये आग गड़ाए बैठे। क्या कहने क्या कहने, मंसूरी साहिब जिंदाबाद। मछली पर ये आग गड़ाए बैठे हैं। जब सियासी लोग यहाँ मौजूद थे तो मेरे मन में ये सब कुछ कहने की ललक थी, लेकिन उस वक्त मेरा नंबर या मेरा मौका नहीं था, लेकिन मैं अपनी बात 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 आप लोगों के बीच कह जा रहा हूँ, और चार मिसरों के बाद अपनी बात खत्म कर देता हूँ। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, शुक्रिया। सर्वे चंदोस भी साहब यहाँ मौजूद है, मेहरबान साहब मौजूद है, तमाम लोग हमारे साथ, शुक्रिया। ठीक है, जरूरी। चार मिसरे बस आपकी समातों का हल और मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। आप लोग अभी तक बैठे, ये बड़ी मेहरबानी आप लोगों की है। खैर, शुक्रिया 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 शुक्रिया। देखें कि एक मतलब एक शेर के, नहीं वो ढाल रखता है नहीं तलवार रखता है, नहीं वो ढाल रखता है नहीं तलवार रखता है, बजाहिर में नहीं ऐसा कोई हथियार रखता है, नहीं वो ढाल रखता है नहीं तलवार रखता है, बजाहिर में नहीं ऐसा कोई हथियार रखता है, मगर चालाकी उसकी सभी में हो गई जाहिर, बड़ा पक्का खिलाड़ी मुखौटे चार रखता है।
बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हर कदम मोहब्बत में पुख्तगी से रखा है, हर कदम मोहब्बत में पुख्तगी से रखा है, हमने इश्क सीखा है मन चले बुजुर्गों से। दोस्तों ये थे हमारे नबी अहमद मंसूरी साहब, जो अपने जज्बातों एहसासात का शायरी के हवालों से इजहार कर रहे थे। आइए